जाऊंगी। अरे मर जाऊंगी। मेरी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत बहुत ज्यादा खराब। ओ माय गॉड, मरीज तो बहुत सीरियस है। देखिए मेरी बहन को क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ देखिए तो सही। डॉक्टर साहब रुक जाइए। मर जाऊंगी। इसकी नाली तो बंद है। क्या नाली बंद? नाली बंद है। रुक जाओ, देखना पड़ेगा। जल्द कीजिए। रुक जाइए, थोड़ा और लंबी सांस लो। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बहन? इसको बहुत बड़ा मर्ज है। क्या बहुत बड़ा मर्ज है? हाँ, लेकिन क्या मर्ज है? एका जल्दी कुछ कीजिए। एका जल्दी हमसे करवाओ, नहीं ये चली जाए। कीजिए ना, बहुत क्या जल्दी करवाए? किसी अरे दवाई इलाज करवाओ। ऐसा बोलो ना डॉक्टर साहब, मुझे लगता कि और क्या करवाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, कुछ कीजिए, मेरी बहन ठीक हो जाए, जल्दी कीजिए ना। रुक जाओ, पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज का। रुक जाओ रुक जाओ, पहले ये बताओ क्या तुमने आज सोया था? हाँ मैं सोई थी। किस तरफ से सोई थी? मैं चित लेती थी। ओ तुम चित लेट गई थी। हाँ इसीलिए तुम्हारे हो गया है पित्त। तुम लेटी थी चित्त। हाँ। इसीलिए तुम्हारे हो गया है पित्त। अच्छा, और किस तरफ से लेटी थी? और मैं करवट लेटी थी। करवट? हाँ। इसी से तुम्हारे हो गया है बरवट। बरवट हो गया? हाँ। बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ। तमाम बीमारी मिला के इनके कुड़ुम धांस के बीमारी है। ये कुड़ुम धांस की कौन सी बीमारी है? ये अंदर अंदर मने का खा जात है। डॉक्टर साहब हाँ। कोई खतरा तो नहीं है? खतरा तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा खतरा है? तुम्हारी जान भी जा सकती है। ओ दीदी ये बताओ। हाँ। कभी कभी तुम्हारे खून भी निकलता है? हाँ ब्लड आता है। आता है? हाँ। कब कब आता है? महीने में एक बार दो बार आता है। ओ माय गॉड, महीने में ब्लड आता है? हाँ। ये बताओ। हाँ। ब्लड जो आता है वो साला काला रहता है कि लाल रहता है? डॉक्टर साहब ब्लड आता है तो काला सा रहता है। ओ माय गॉड, तू रहता क्या हुआ डॉक्टर साहब? इस लड़की के नक्षत्र खराब है। क्या नक्षत्र खराब? कितने लड़के से तेरा कनेक्शन चल रहा है? दीदी क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? आप ये क्या करें, मेरी बहन कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं जानती? हम सब कुछ जानते हैं, हम डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर हैं तो कुछ कीजिए ना। दूर से तेरे मुंह से काला खून निकलता है ना? हाँ। इसको टीवी है? क्या टीवी? हाँ डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ा मर जाए। ओ, मर जाऊंगी। मरोगी नहीं, तुमसे पहले डॉक्टर साला मर जाएगा। लेकिन तुमको काम करना होगा। क्या काम करूं? तुम्हारे इंजेक्शन लगेगी। इंजेक्शन लगेगी? हाँ, तुम्हारे संक्रमक रोग है, डबल हार्मोनिया है। तो लगाओ ना। एक सुई तुम्हारे मुंह में लगेगी। मुंह में? दीदी मुंह में लगेगी। लगवा लो, जो कि तुम्हारा मर्जी ठीक हो जाए। लगवाना पड़ेगा, नहीं जिंदगी बेकार हो जाएगी। डॉक्टर साहब जल्दी कंपाउंडर ठीक होने के लिए करना पड़ेगा। अबे ये जानवर की सुई है, मानव वाली लाओ। दीदी बहुत दर्द हो रहा है। इसका मुंह फैलाओ। दीदी मैं ये नहीं लगवाऊंगी। अरे दवा लगा रहे हैं। बर्दाश्त करो, ये सीरप है, जब तक पिलाऊंगा नहीं कीटाणु टीबी वाले मरेंगे नहीं। दवा पिलाने वाला है? हाँ ये सरकारी, जैसे कोरोना की दवाई वैसे टीबी की दवाई, बाहरी सीरप है। अरे तो डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए ना। हाँ देखो मुंह फैलाओ। क्या हुआ? अरे आराम हुआ कुछ? यही आराम हुआ। हाँ हो गया? हो गया। रुक जाओ, अभी एक सुई पीछे लगेगी। क्या पीछे लगेगी? हाँ, डबल इंजेक्शन देना होगा, ये लड़की बहुत गर्म है। क्या गर्म है? इसकी शरीर गर्म है, इसका तापमान हाई है, डबल इंजेक्शन लगेगा तभी काम होगा। अरे जल्दी की लगाइए फिर। कंपाउंडर सुई जानवर वाली लाओ। दीदी ये जानवरों की सुई मेरे लगेगी? अरे जानवर नहीं, इसमें दवा सिर्फ है। ये जानवर की सुई है, दवा इंसानों की लगती है। अच्छा
जल्दी लगाइए फिर। थोड़ा तुमको कष्ट होगा लेकिन बाद में आराम होगा। अच्छा जल्दी कीजिए ना डॉक्टर साहब, किसी तरह मेरी बहन ठीक हो जाए। जल्दी करवाओ को दूसरे डॉक्टर को बोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप ही कीजिए। हम छुन्नू मुन्नू डॉक्टर है, जो भी काम करता है आसानी से करता है। चलो थोड़ा निहुर जाओ। डॉक्टर साहब आराम से लगाना। आराम से लगेगा, पहले लागी फिर नीक लागी। ये लो झुक गई मैं। विदेशी दवा है, चलिए पकड़े रहना। हाँ। नहीं झटका लग सकता है। रुक जाओ, रुई लाओ। आराम हुआ कुछ? हाँ दीदी आराम तो हुआ। आराम हो गया? हाँ। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ कि जिसको एक सुई लगा देता हूँ आराम हो जाता है। मगर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ दर्द करी, पहले दर्द करी बाद में आराम करी। ये बताओ क्या इनको थोड़ा परहेज करना होगा? नहीं आराम नहीं होगा तो बताइए ना डॉक्टर साहब क्या परहेज करना। तीन इधर आओ, तीन खुराक इनको दवा दूंगा। हाँ। एक सोने के बाद दे देना। अच्छा। जब ये सो जाए तो एक खुराक खिला देना। ठीक है डॉक्टर साहब। और एक खुराक जागने से पहले। ठीक है डॉक्टर साहब। समझ रही हो ना? हाँ समझ रही। एक खुराक सोने से पहले। हाँ। एक खुराक जागने से पहले, एक खुराक मर जाने के बाद। मतलब हमारे जाने के बाद। अच्छा, हाँ तीन खुराक दवाई होगी। अच्छा। और इसको गर्म चीज नहीं खाना। हाँ। लड़की बहुत हीट है, बहुत गर्म है, पसीना निकल रहा है। लेकिन क्या क्या खिलाना होगा परहेज बता दीजिए। 5 किलो गुड़ खौला के कर दीजिए। क्या? हाँ 5 किलो गुड़, 6 किलो पशुहार। दीदी मैं कोई भैंस हो गई क्या? पशुहार नहीं देना, उसी में रख देना है दवाई को। हाँ। और उसके बाद दवाई खिला देना। हाँ। 5 किलो पशुहार। हाँ। 6 किलो चोकर। दीदी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ये आप चोकर को सुलगा देना इसके सामने। ठीक 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 ठीक। उसी की धुआं लेगी। हाँ। लड़की ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। और तुम्हें 9 महीने तक परहेज करना होगा। 9 महीने तक? 10 महीने तक हो सकता है, कभी कभी 7 महीने भी ठीक हो जाता है। फिलहाल 9-10 का डेट है, अगर 7 महीने में आराम हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। अब हमारा हमका दियो चली। क्या पैसा? हमारी फीस? अरे तो इस तरह बोलो ना डॉक्टर साहब। हाँ आज मेरी बहन को दिक्कत है। हाँ फिर कभी मैं दे दूंगी, ले लेना। पता नहीं साले कौने के निर्मोही के मुंह देख के चले। पहली बहनी खराब हो गई। डॉक्टर साहब मैं आपके घर आ जाऊंगी। यहाँ हाथ ना लगाओ, मानसून खराब हो रहा है। वहाँ दर्द हो रहा है। वहाँ हाथ लगाओ कि फोड़ा हो जाएगा, फिर हमको फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक बार ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर साहब। हम किया हूँ। पैसा मिल जाएगा? हाँ डॉक्टर साहब मिल जाएगा। हमारे कंपाउंडर को दे देना। हाँ ठीक है। कंपाउंडर लड़की से पैसा लेकर तुम हमारे ऑफिस आओ। कहाँ मिलोगे तुम इसको? हाँ। एक विदेशी कंपाउंडर है। कहाँ मिलेंगे ये? जहाँ बुलाओगे वहाँ आ जाएगा। कहाँ मिलोगे? कहाँ बुलाए कहाँ मिला हम। ठीक है डॉक्टर साहब आ जाऊँ। ये चाइना का आदमी है, इसकी बात समझ नहीं पाओगी। जी। इसको जहाँ कहोगी मैं भेज दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हमारा नंबर नोट कीजिए। बोलिए। हमारा नंबर नोट कीजिए। 99-95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 -
हमारा नंबर नोट कीजिए, आपका नंबर 98 38 98 38 तमाम 0 32 तमाम 0 32। हाँ, पैसा लेने वाला जानेगा या देने वाला जानेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आराम हो गया? आराम तो नहीं, सुबह शाम एक केला खाया करो, आराम हो जाए। भुसावल वाला, चलते हैं, पैसा भेज देना। ठीक डॉक्टर साहब। बहन दीदी चलो अब, हाँ, चलकर पहले आराम करो, तुम्हें मैं दवा दूँ। चलो, बहुत दर्द हो रहा है।